कि ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है, मांग मत ईश्वर से, तेरा भाग्य तेरे पास है। और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा, और कामना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। और जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है थोड़ी सी जमीन, सारा आसमान अभी। थैंक यू प्लीज हैव योर सीट। हीमा दास की बात करूं तो आसाम के राज्य के एक छोटे से गांव से निकली हुई लड़की, जब वो गांव के ट्रैक पर दौड़ा करती थी, खेत खलियानों में दौड़ा करती थी, रास्ते में दौड़ा करती थी, तो उसके अंदर एक स्पिरिट पैदा हुई कि मुझे एक अच्छा रनर बनना है, एक मुझे अच्छा प्लेयर बनना है और देश के लिए कुछ करना है। उसका लक्ष्य था देश के लिए कुछ करना है, और देश के लिए कुछ करने के लिए जब इसने अपने जीवन में प्रयास किया तो 400 मीटर की दौड़ में इस लड़की ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 50.79 सेकंड में इसने वो अचीव किया जिसको अचीव करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे शूज होते हैं, बहुत ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड जैकेट्स होती हैं, बहुत सारे अच्छे कोच होते हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी डाइट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिकॉर्ड उस लड़की ने तोड़ा जो अंडर प्रिविलेज थी, जिसके पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज नहीं थे। आसाम के गांव में जब ये लड़की दौड़ा करती थी तो किसी ने कहा कि इसके अंदर एक स्पिरिट है, ये अच्छा प्लेयर बन सकती है, इसको सीखने के लिए आसाम शहर भेजा जाए। और शहर भेजने के लिए माता पिता के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उस टीचर के कहने पे, उस कोच के कहने पे उसको शहर भेजा गया। और शहर भेजने के बाद जब वो लड़की प्रैक्टिस करती थी नंगे पैर, तो उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि पापा मेरे को जूते चाहिए, और उसके पिता ने जैसे तैसे अपना पैसा इकट्ठा करके 1200 रुपए के जूते उस लड़की को खरीद के दिए। उसको पहन के उस लड़की ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। डाइट भी प्रॉपर नहीं कर पाती थी, क्योंकि गेम्स को जीतने के लिए आपको प्रॉपर कोचिंग चाहिए, आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, आपको गैजेट्स चाहिए, आपको एक्सेसरीज चाहिए, लेकिन इन सब के अभाव में भी उसने देश के लिए काम किया। और उस लड़की ने 50.79 का सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में उसने वो गेम को जीत के दिखाया और भारत के ऊपर इतिहास रच दिया। उसने उसके माता पिता जो 1200 रुपए के जूते उसको खरीद के नहीं दे पा रहे थे, उस लड़की ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उसने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। और जिस कंपनी के जूते वो खरीद नहीं पा रहे थे, उस कंपनी ने हिमा दास को अपनी कंपनी का एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फ्रेंड्स, जो लोग अपनी लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, वही जीत हासिल करते हैं। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, और विश्वास के साथ साथ अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत में निरंतर इजाफा करने के ऊपर प्रयास करें। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर प्रांगण में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे पूरे विश्वास के साथ मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस ब्रह्मांड पे तीन ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पत्थर के रूप में बारिश में बैठते हैं, बारिश का एंजॉय करते हैं, भीगते हैं मजे से, बारिश को एंजॉय करने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो पानी कुछ ही सेकंड में सूख जाता है। लेकिन कुछ लोग एक रुई की तरह काम करते हैं, वो जब भी बारिश में जाते हैं तो प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, और जब घर पहुंचते हैं तो उसको निचोड़ कर इतना इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लेते हैं कि जब जीवन में जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।